हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एम्बर एंटरप्राइजेस के बारे में। एम्बर एंटरप्राइजेस में आप देखेंगे दोस्तों लगातार हमको करेक्शन देखने को मिल रही है। अपने ऊपरी स्तरों से देखिए ऑलरेडी 25% ये करेक्ट हो चुका है, और आज की बात करें तो आज भी देखिए अराउंड 5.59% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों, इसके पीछे क्या रीज़न है, इस वीडियो में आपको मैं ये रीजंस बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं पॉजिटिव्स भी बताऊंगा, क्या यहाँ पर प्रोस्पेक्ट हैं कंपनी के, क्या पॉजिटिव्स हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये कहाँ तक करेक्ट हो सकता है, क्या इसके फ्रेश बाइंग लेवल होंगे, ये वीडियो के दोस्तों अंत में आपको मैं टेक्निकल चार्ट पे बताऊंगा, तो एंड तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हाल ही में दोस्तों इसके रिजल्ट आए हैं एम्बर एंटरप्राइजेस के, आपको पता है बहुत ही अच्छे रिजल्ट इन्होंने पेश किए। देखिए इस क्वार्टर की हम बात करें तो 1500 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले ईयर के मार्च क्वार्टर में बात करें तो 1300 करोड़ का प्रॉफिट नहीं, सेल्स एक्चुअली। तो रेवेन्यू इनका देखिए यहाँ से हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए पिछले मार्च क्वार्टर में था 63 करोड़, इस क्वार्टर में Q4 मार्च के क्वार्टर में 75 करोड़, तो प्रॉफिट भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिले, प्रॉफिट मार्जिन भी दोस्तों हमको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पर सब चीज़ अच्छी थी, तो दिक्कत कहाँ हुई ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दिक्कत हुई दोस्तों यहाँ पर, अगर फिस्कल ईयर की मैं बात करूँ तो जो पूरे फिस्कल ईयर में जो 3963 करोड़ का प्रॉफिट था वो घट के हो गया 3031 करोड़, ये FY20 में था अराउंड 4000 करोड़ और FY21 में रह गया 3031 करोड़। तो इसके पीछे रीज़न था दोस्तों COVID-19 का जो इम्पैक्ट था, यहाँ पर इनके रेवेन्यू में इम्पैक्ट इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला। ऑपरेटिंग एबिट्टा की बात करें तो देखिए जो 8.2 का ऑपरेटिंग एबिट्टा था FY20 में वो कम होकर रह गया 7.5, तो यहाँ पर भी COVID-19 का इम्पैक्ट आया। पैट में भी देखेंगे आप तो FY20 में जो पैट 164 करोड़ का था वो घट के रह गया दोस्तों 83 करोड़, तो करीब देखिए 4.1% से घट के रह गया 2.7। तो ये जो FY21 का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस था दोस्तों यहाँ पर घटता हुआ देखने को मिला, क्योंकि सबको पता दोस्तों H1 FY21 का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था, लॉकडाउन थे, तो उस क्वार्टर में वहाँ पर बिल्कुल भी इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट नहीं हुए, तो उसकी वजह से यहाँ प्रेशर देखने को मिला। तो ये होगी पहली चीज़। दूसरी बात करें इनके रिटर्न रेशोज़, अगर आप देखें दोस्तों FY20 में जो ROCE का नंबर था वो 18.5% था, जो घट के रह गया 9.3% FY21 में, तो यहाँ पर भी COVID-19 का इम्पैक्ट था। ROE आप देखेंगे तो 15.1 का जो था वो घट के रह गया 5.9% COVID-19 के इम्पैक्ट की वजह से। तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली ये इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हमको शेयर प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये पहला रीज़न हो गया कि इनके पूरे फिस्कल ईयर की बात करें, फिस्कल ईयर 20 और 21 के कंपैरिजन में नंबर अच्छे नहीं रहे और रिटर्न रेशोज हमको काफ़ी कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हमको ज़रूर बात करनी चाहिए, वो है देखिए इनने इनके मैनेजमेंट ने क्या कहा है। विद हायर वॉल्यूम एंड इंक्रीज ऑपरेटिंग लेवरेज वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ इंक्रीजिंग एंड सस्टेनिंग द रिटर्न रेशोज गोइंग फॉरवर्ड। तो आगे आने वाला समय जो होगा दोस्तों यहाँ पर वापस से रिटर्न रेशोज हमको अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे, और मैनेजमेंट ने बोला वी आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि देखिए H1 FY21 जो था वो बिल्कुल दोस्तों वहाँ पर वॉश आउट हो गया था COVID-19 की वजह से, और इसके बावजूद दोस्तों Q4 में आप देखेंगे उन्होंने अच्छा नंबर पेश किए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो इनकी डिमांड थी काफ़ी आई। अगर मैं आपको वापस दिखाना चाहूँ देखिए यहाँ पर, तो देखिए ड्यूरिंग Q4 2021 द चैनल इन्वेंट्री डिमांड हैज़ रिटर्न टू नॉर्मलसी एज द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन वर ईज्ड ऑफ इन द फेज मैनर अक्रॉस द कंट्री। वी विटनेस्ड अ सर्ज इन द रिटेल डिमांड फॉर एयर कंडीशनर इन ड्यूरिंग Q4 2021। H1 खराब होने के बावजूद दोस्तों Q4 में इन्होंने गजब की रिकवरी दिखाई, जो कि यहाँ से डायरेक्शन देता है कि आगे अगर जब दोस्तों कोविड से रिलेटेड सिचुएशन यहाँ पर नॉर्मल होती हुई देखने को मिलेगी तो आपको ये बिजनेस दोस्तों वापस से भागता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये पॉजिटिव है इसका एक। अब दूसरा दोस्तों हम यहाँ पर देखें जो जसवीर सिंह है चेयरमैन CEO ऑफ एम्बर एंटरप्राइजेज, उन्होंने क्या कहा है। फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 वॉज चैलेंजिंग पीरियड विद दी अनसर्टेनिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ब्रॉड बाय द COVID-19 पेंडेमिक, जैसा भी हमने बात करी। हाउएवर शार्प रिकवरी इन बिजनेस सेंटीमेंट्स इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर हैज इनेबल्ड अस टू पोस्ट अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द क्वार्टर। तो अभी देखा आपने क्वार्टर में दोस्तों अच्छे नंबर थे यहाँ पर, लेकिन अगर फुल ईयर की बात करें तो अच्छे नंबर नहीं है। तो इससे पता चलता है दोस्तों अगर कोविड से रिलेटेड जो सिचुएशन है नॉर्मल होती हुई देखने को मिली, रिस्ट्रिक्शंस वापस से हमको हटते हुए देखने को मिले, तो यहाँ पर दोस्तों वापस से इनका जो परफॉर्मेंस है हमको वापस से ग्रोथ होता हुआ देखने को वहाँ पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए Q4 में इन्होंने अच्छे नंबर पेश किए, क्योंकि आपको पता था जो लॉकडाउन थे सितंबर तक सिचुएशन सही हो गई थी, लेकिन Q4 में देखिए इन्होंने वापस से जो वहाँ पर डिमांड आई, रिटेल डिमांड काफ़ी बढ़ी। उसके बाद Q3 की बात करें या फिर Q4 की बात करें तो रिटेल डिमांड वहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिली, और यहाँ पर रिजल्ट उन्होंने इस हिसाब से पेश किए। तो यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव है कि जैसे ही सिचुएशन सही होगी ये इंडस्ट्री और ये कंपनी आपको भागती हुई देखने को मिलेगी।
और इसके पीछे और क्या ट्रिगर्स हैं, देखिए रिसेंटली अनाउंस्ड पीएलआई स्कीम ऑगर्स वेल फॉर अस एंड द इंडस्ट्री एज ए होल एज इट लेज इम्फेसिस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन इन आरएसी इंडस्ट्री। दिस स्कीम प्रोवाइड्स मैन्युफैक्चरर्स लाइक अस लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड आर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स बेस ऑफ पीसीबीएस एंड मोटर्स। पीसीबीएस मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, मतलब जो सर्किट बोर्ड होता है जिसपे मतलब हम कंपोनेंट जो होते हैं यू नो इंस्टॉल करते हैं, जो है सोल्डर करते हैं, मतलब वो होते हैं दोस्तों पीसीबीज। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट बेस जो है इनका एक्सपेंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों जो पीएलआई स्कीम से जो इनको फायदा होगा इस इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर गवर्नमेंट का वैसे ही दोस्तों फोकस है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं एम्बर जैसी दोस्तों यहाँ पर बेनिफिशियरी, इनका लॉन्ग टर्म में इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और देखिए जो बैन हुआ था एसी का इम्पोर्ट का चाइना से, उसका दोस्तों काफ़ी इनको फ़ायदा मिला, और उस बैन के बाद इन्होंने 6 जो है नए कस्टमर साइन किए, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और जो इनका सिडवाल बिजनेस है जो इन्होंने एक्वायर किया था दोस्तों, उसके बाद इनके पास एक्सपोजर आ गया रेलवे मेट्रो सेगमेंट का भी, और इनके पास जो है काफ़ी अच्छी है जो हेल्दी ऑर्डर बुक ये मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं इसमें, या फिर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये बात आपको दोस्तों समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए यही ये चीज़ मैंने आपको दोस्तों थोड़े दिन भी पहले भी बताई थी कि इम्पोर्ट बैन जो हुआ है एयर कंडीशनर्स विद रेफ्रिजरेंट्स का जो चाइना से, उसका फ़ायदा दोस्तों यहाँ पर उठाया है एम्बर एंटरप्राइजेस ने। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद इन्होंने 6 नए कस्टमर्स के साथ डील भी साइन किए, जो कि इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और एम्बर दोस्तों आपको पता ही है, देखिए लार्जेस्ट इंडक्शन मोटर मैन्युफैक्चरर है ये एचवीसीए इंडस्ट्री में, एचवीसीए मतलब हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनर इंडस्ट्री में, और मार्केट लीडर है दोस्तों ये पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली में, और 25-30% का मार्केट शेयर है इसका टोटल आरएसी सेगमेंट में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, अगर आपको ये थीम प्ले करनी है तो दोस्तों एम्बर इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिक। अगर मैं बात करूँ इनके, देखिए जो इनके क्लाइंट लिस्ट है, देखिए कितने बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे, देखिए कैरियर, ब्लू स्टार, डाइकिन, हिटाची, जॉन डियर, एलजी, महिंद्रा, सारे बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों जो इनके क्लाइंट्स हैं। गोदरेज, यहाँ देखिए गोदरेज, तो सारे बड़े जो हैं इनके जो बड़े एमएनसीज है दोस्तों यहाँ पर इनके क्लाइंट्स हैं, और आरएसी सेगमेंट में ये ऑलरेडी लीडर हैं। कंपोनेंट का दोस्तों इनका जो है बेस एक्सपेंड होने वाला है जहाँ से ऐसी जो है मैनेजमेंट की कॉमेंट्री के अकॉर्डिंग, और एक रिपोर्ट भी दोस्तों अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये हो गई दोस्तों बात इसके पूरे बिजनेस मॉडल की, क्या इसके नेगेटिव थे, नेगेटिव मैंने आपको शुरू में बताया, पॉजिटिव मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए। अब यहाँ पर हम चलते हैं, देखिए दौलत कैपिटल की दोस्तों ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, उन्होंने क्या कहा है, देखिए सेल्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 22% ईयर ऑन ईयर विद कंटिन्यूड क्यू फोर मोमेंटम, एबिट्टा भी यहाँ पर 39% हमको अब देखने को मिला। तो ये तो रिजल्ट हमने ऑलरेडी देख लिया, अब जो मेन चीज़ है वो पढ़ने वाली ये है कि कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ गुड प्ले ऑन दी लोकलाइजेशन एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव थीम with opportunities emerging from this area, the new air conditioner PLI has opened opportunities for the company which plan to produce more motors and printed circuit boards and PLI while also open to doing sheet metals and plastic molds। तो यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म दिखाया है, दौलत कैपिटल की ये लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर दोस्तों सारे पॉजिटिव हैं। तो एम्बर को तो दोस्तों आपको पता ही है मैं कब से आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको ये ऑलरेडी पता होगा एम्बर, हम अगर आप हमारे पुराने फॉलोअर हैं तो आपको मैं करीब ये 2000 के लेवल से रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अभी भी प्रॉफिट में है, और यहाँ से मुझे लगता नहीं दोस्तों ज़्यादा करेक्ट होगा, तो अगर ये नीचे आया तो देखिए और कहाँ तक करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये आ सकता है दोस्तों करीब, जी हाँ दोस्तों 2650 के आसपास ये और आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा सेलिंग वॉल्यूम है ज़्यादा, और यहाँ पर जो एक मेजर सपोर्ट था इसका ये वाला पोर्शन देखिए कितने बार इसने सपोर्ट लिया, इसने ये ब्रेक कर दिया दोस्तों अब फाइनली, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और ज़्यादा करेक्ट होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो ये आ सकता है करीब 2650 तक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं, हालांकि देखिए अभी भी दोस्तों यहाँ पर मौका है, अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म के आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर दोस्तों इस लेवल पर बाय कर सकते हैं इसको। देखिए अब देखिए दोस्तों एम्बर एंटरप्राइजेज मेरे को एक घर की कंपनी तो है नहीं, मैं इसमें जो पॉजिटिव है वो आपको बता रहा हूँ, जो नेगेटिव है वो आपको बता रहा हूँ। Q1 FY 2022 में भी दोस्तों हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले हमको रिजल्ट में, क्योंकि देखिए अभी और आपको पता है लॉकडाउन लगे रहे हैं, और सीज़न है दोस्तों समर, और इसी जो सीज़न है इसकी वजह से दोस्तों इनकी जो है एसी की डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड अभी आ नहीं रही, तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये जो करेक्शन हो रहा है आगे को देख के चल रहा है, क्योंकि Q1 FY 2022 का जो रिजल्ट आएगा उसमें थोड़ा प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो रहा है। तो अगर आप दोस्तों इस चीज़ को समझते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अभी एंट्री लेनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तभी दोस्तों आप इसमें एंट्री ले सकते हैं इस लेवल पे भी। इससे ज़्यादा दोस्तों 2-3% और करेक्ट होगा ये 2650, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मेजर इसका सपोर्ट है,
तो वहां पर आप इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कीजिए अपने ऊपर। इस तरह से ऑलरेडी 27% करेक्ट हो चुका है। शानदार कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है जो कि काफी ग्रो होने वाली है। गवर्नमेंट का फोकस भी काफी अच्छा है इस पे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। PLI स्कीम हो गई, AC, दोस्तों AC की जो प्ले है उसमें उसमें ये एक लीडर है। तो सारी चीजें हैं जो इसकी पॉजिटिव हैं। नेगेटिव दोस्तों यहाँ पर कम है, पॉजिटिव ज्यादा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर उस हिसाब से अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, मेरी घर की कंपनी है नहीं दोस्तों, अच्छी लगती है तभी आपको मैं यहाँ पर इतना बोल रहा हूँ। और अब अगर RSI देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है दोस्तों, 27 के आसपास इसका RSI जा चुका है। तो अब यहाँ से दोस्तों चांसेस कम है गिरने के, और अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब यहाँ से चढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, गिरने के कम है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।